काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर में मंदिर का कपाट बंद होने से और बाउंसर लगाकर दर्शन करवाने को लेकर छात्र नाराज दिखे। छात्रों ने कहा कि जहां एक तरफ धीरे धीरे पूरे देश को खोल दिया गया है, वहीं बीएचयू में कोरोना के नाम पर मंदिर का कपाट बंद किया गया है। हर साल यहां दर्शन करने लोग आते हैं, आज उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, फिर भी मंदिर के कपाट को बंद किया गया है। दूसरी तरफ पहली बार बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर में बाउंसर्स को लगाकर दर्शन करवाया जा रहा है। यह सरासर गलत है, इससे कहीं ना कहीं बीएचयू प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज यहाँ दर्शन करने हम लोग आए थे तो देखे कि प्रत्येक वर्ष अंदर जाकर शिवलिंग के पास से दर्शन होते थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने वहाँ बल्ली पटरा से गेट दिया था कि बाहर से ही आप दूर से ही दर्शन करिए, जो कि हमको नहीं लगता कि कहीं से अच्छी तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। कोलो की तो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, मंदिर प्रशासन भी इस बार व्यवस्था ना बढ़िया से नहीं कर पाया दर्शन करने के लिए, तो बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हर साल यहाँ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा दर्शन कराया जाता है, इस बार बाउंसरों को भी लगाया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में अगर 800 करोड़ का आपका सुरक्षा बजट है, उसके आपके जिला प्रशासन आपको, उसके बाद अगर आपको बाउंसर लगाना पड़ा है, मतलब ये चीफ प्रॉक्टर का जो 800 करोड़ का बजट है वो किसी काम का नहीं है। हमको लगता है कि जो भी चीफ प्रॉक्टर है उनको हटा देना चाहिए, बाउंसर भी पूरे विश्वविद्यालय लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हमको लगता है कि इसका सभी छात्रों को विरोध करना चाहिए जो बाउंसर लगाए गए हैं।